तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू वकास गेमिंग। तो लेकर आ चुका है और एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गेम लूप का ब्लैक स्क्रीन के प्रॉब्लम के बारे में। गाइस, बहुत सारे बंदे कंप्लेन करते थे कि गेम लूप पे बहुत सारे ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, भाई कोई तो सोल्यूशन दे दो। तो वही एक सोल्यूशन लेकर आए भाई। तो क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और चैनल पर मेरे फर्स्ट बार आ रहे हो गए, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गेम लूप पे राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टी में आ जाना है। ठीक है, प्रॉपर्टी में आ जाओ गाइस। तो जाना है कैपेबिलिटी में। कैपेबिलिटी में आ जाने के बाद सिंपली गाइस चेंज सेटिंग ऑल यूज़र पे क्लिक करना है नीचे पर। और यहाँ पर क्लिक करो गाइस, बहुत सारे ऑप्शन आएगा। यहाँ नहीं चेक है तो यहाँ चेक करके विंडो 8 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिसका विंडो 7 है तो विंडो 7 सेलेक्ट करना है। 8 से अबव है तो 8 ही रहना है। ठीक है, फिर से चेंज DPI पे आना गाइस और यहाँ चेक करके एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ओके, अप्लाई एंड ओके कर लेना गाइस। उसके बाद यहाँ से भाई ये सब ये ठीक है। चलिए उसके बाद गेम को रन कर। जब भी आप गेम को रन करोगे गाइस, देखना दो विंडो खुला रहता है। गेम लूप का दो विंडो रहता है गाइस, एक ऐप मार्केट रहता है। तो इसको ऐप मार्केट को आप बंद कर देना। बंद कर देने के बाद मतलब कट कर देने के बाद राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर ओपन करना है। टास्क मैनेजर ओपन करोगे उसके बाद क्या करना है सब बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है। उसके बाद क्या करना है, देखो ऐप मार्केट यहाँ भी मतलब बैकग्राउंड में चलता ही रहता है ऐप मार्केट। तो यहाँ से आप नहीं क्लोज करोगे तो आपका रैम ज़्यादा यूज होता है, जिसके कारण ब्लैक स्क्रीन बहुत हद तक रहता है। तो यहाँ से ऐप मार्केट का हटा दोगे तो देख सकते हो कितना मतलब 50 MB ज़्यादा दम खाता। और कौन हेस्ट करके भी एक दो फाइल रहता गया जो बैकग्राउंड में आपका चलता रहता है, इस सबको भी इंटास्क कर दोगे तो आपका रैम फ्री रहा। रैम के कारण ही भाई आपका ब्लैक स्क्रीन आता प्रॉब्लम। अब एक मिनट के अंदर आपका गेम रन नहीं कर रहा है तो बैक बटन टिप के बैक कर लेना है। ठीक है, बैक बटन टिप के बैक कर लोगे। उसके बाद सिंपली से फिर से गाइस रैम ही मेन बात रहता है गाइस ब्लैक स्क्रीन करना। रैम अपग्रेड करा लो या किसके पास अधिक रैम है उससे पूछना, तो ब्लैक स्क्रीन उसको देखने को नहीं मिलता गाइस। इसलिए रैम फ्री करना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर से आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देख लेंगे गाइस एक मिनट करना खुदा खुद तुम्हारा रन कर जाएगा गेम। अगर इसके बाद भी अगर आपका ब्लैक स्क्रीन नहीं ख़त्म हो रहा है गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में देखो एक गेम लूप का लेटेस्ट वर्जन का लिंक दिया, उसे डाउनलोड करो तो ब्लैक स्क्रीन देखने को कम मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा जल्दी इसका तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।